नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एमपी बेसिक इन्फो पर आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य यदि आप समझ गए तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को एमएनसी कंपनी में जॉब लगना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को संसारक जो है बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी करनी है, इस तरह के कई तरह की घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीजें उनको चाहिए होती हैं, जिनकी वजह से वह वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है या उस परमात्मा से एक होना चाहता है, आत्मा साक्षात्कार करना चाहता है, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो यह ब्रह्मा मुहूर्त का यह समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं, तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वो भी विद्यमान होती है सभी जगह। तो उस समय अगर आप यह ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी विश्व मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता थे हमारे, दादी दादा, नानी नाना या हमारे और भी पुराने आश मुनि जो थे, वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो फ्रेम के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में यह समय सक्षम है। तो इस समय वह अलग अलग है, जो भी जिसकी इच्छा होती है वह उस समय उठकर उसी को फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हो, डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हो तो बुजुर्ग होकर जब बीमार होते होते तो वह सभी को यही कहते हैं, सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ा सैर किया करो, बीपी, मोटापा, कैंसर कम होगा। तो वह सैर करने को बोल देते हैं। सैर करने का मेन उद्देश्य होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपके कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें 4:24 से 6:24 तक का समय आपका मुहूर्त का होता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाएं या आप अगर बिस्तर से उठक भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना एक स्थान बना ले, कमरे में या पूजा घर में, जहां भी आपका दिल करे वहां पर आप अपने एक स्थान बनाकर वहां पर आपको ध्यान करना है। तो उसमें करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है, ज्यादा ना तो सांस तेज लेनी है और ना ही ज्यादा, बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है और हल्की सी छोड़िए। शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे आ रही है जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास में ही आपको ध्यान करना है, नाम जाप जो करना है आपको इसी तरह करना है, नाम जाप करें, ध्यान करें, अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते नाम जाप करना है। उसकी हम विधि भी आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही, साथ में ही जब आप इस समय जाप या अजपा नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेंट्रल में हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं, जिससे फिर आपका अगर कर्ज है वह भी खत्म हो जाएगा, नई नई जॉब्स, नए बिजनेस ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो यह धन की समस्या भी अपनी खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करते रहना है, अपने आप सिद्ध हो जाएगी, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगा और जहां भी आप फिर जाया करेंगे वहां भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहां का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी जाकर बैठेंगे वहां वह भी अच्छा फील करेंगे। और अगर कोई और व्यक्ति है जो बीमार है, वह उसके लिए भी आप इस समय का नाम जाप करके एक जल को पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं।
उसे एनर्जेटिक वाटर बनाकर उस अगर रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेंगे, उसके भी वह रोगों से मुक्त होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है, और सामने एक गिलास पानी रख ले, कांच के गिलास में रख कर आप ध्यान करें। वहीं पे ध्यान करते करते वो ऊर्जा आपके चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में भी वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारी अपनी जल बना लिए हैं, एनर्जेटिक जल बना लिया है, वो उसको आप खिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है, इससे प्राण जप भी कहते हैं। यह जप, नाम जप, प्राण जप करते हुए इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होता होना चाहिए, फिर धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब वह आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जाप है, इसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जाप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप बैठकर नाम जाप कर सकते हो। करने के लिए आपको कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के, चाहे बिस्तर में बैठ के ही, चाहे आप कहीं नीचे बैठ के, जहां भी आपको सुविधाजनक लगे वहां पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की, मूर होने की, ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है तो कर ले, नहीं तो ऐसे ही आप बैठ सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपने उठकर करना क्या है, आपको एक नाम का जाप कोई भी आप सिलेक्ट कर ले, जो भी, जिस भी आपकी आस्था हो, जिस भी परमात्मा में, गुरु में, उसका अपने नाम जाप करना है। राम राम का नाम जाप कर ले, सत अनम वाहे गुरु का कर ले, राधे कृष्ण का कर ले, जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर ले। लेकिन जिसका ज्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज्यादातर साधकों में, वो आया है राम नाम से, तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वह तीन बार क्या दोहराना है वह भी आप समझ ले। पहले आपने शुरू में जहां भी आप बैठ गए 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को आपने नजदीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वह तीन बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। करना कैसे है, आपको जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ज्यादा रिजल्ट को आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वह आज समझ ले। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। वह दो बार, चार बार, दस बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका सांस उतनी ऊपर है उतनी बार बोलते रहे, और जब श्वास छोड़े फिर राम राम आपको करना है। चाहे वह चार बार बोला जाए, चाहे दस बार बोला जाए, जैसे श्वास ली, श्वास लेते ही आपको शुरू कर देना है राम राम राम। जैसे ही सांस फिर आपको छोड़नी है, फिर दोबारा से जब आप छोड़ेंगे, फिर छोड़ते टाइम राम राम राम, इस तरह से आपको सांस लेते टाइम राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ने के टाइम आपको उच्चारण करना है। यह थोड़ी सी विधि बदल गई है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आए हैं। तो यह आप जहां पर आप कर ले, 15 मिनट तक जाप कर ले। अगर आप अजपा करना चाहते हैं तो आप अजपा भी कर सकते हैं, मन ही मन में वो उच्चारण करें, अन्यथा जाप कर ले। उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपने इसे 15 मिनट तक पहले तो यह करना है। 15 मिनट आपको रोज करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती थी, किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है, तो आपने इसको 21 दिन कम से कम करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। अचानक से कोई भी आपको ऐसी ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे पर्सन मिलेंगे, उससे आपने पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए यह व्यक्ति आपको मिल रहा है, यह व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए, तो आपको पहचान लेना है। तो जैसे ही आप यह 15 मिनट का ध्यान करोगे, इससे आप बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब वह ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब आपने इच्छा को अपने व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए, आपको
तीन बार फिर बोलिए, सांस लेते टाइम फिर उस शिक्षा को बोलेंगे और फिर सांस छोड़ दें, फिर श्वास भरे और फिर वह इच्छा दोबारा बोलिए, फिर सांस छोड़ दें, फिर सांस को तीसरी बार भरना है और फिर उस इच्छा को बोल के फिर सांस छोड़ देंगे। मैं इस श्वास भर के उस इच्छा को बोलना है, चाहे आप बोल दे या अपने मन ही मन से बोल दे, तब भी अब काम बन जाएगा। तो यह आपको 15 मिनट के बाद ही ऐसा करना है। जो आपने यह नाम जाप किया है वह चाहे 15 मिनट करें चाहे 30 मिनट, कम से कम जरूर करें और फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। और वह तो सारे ब्रह्मांड उसी का है, उसी ने यह सब बनाया है, तो उसी से आपने मांगा है, तो वह उसके लिए तो कुछ असमर्थ है ही नहीं कि आपको दे ना सके। वह तो देने वाला है, सभी को दिया है, उसने सारी सृष्टि ही उसी की है। उसमें से आपको कोई थोड़ा सा अंश चाहिए होता है, वह तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देता है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर